नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे पहले हज यात्रा किसने पूरी की। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबसे पहले हज यात्रा किसने की थी, या हज के बारे में कोई ऐसी जानकारी जो किसी को भी ना पता हो? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत सी ऐसी बातें बताएंगे जिनको जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। साथ ही हम आपको इस्लाम के बारे में कुछ बेहद हैरान कर देने वाली बातें बताएंगे, इसीलिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुकी है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस जमीन में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर लाकर काबा की तामीर की। लेकिन उसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो भयंकर तूफान आया था, तो उस तूफान में काबा शरीफ का ढांचा भी ढह गया था, मगर उस तूफान में भी काबा की बुनियाद बाकी रही। उसके बाद यानी के आज से तकरीबन 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। फिर दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीवी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और इस मुकाम पर पहुंचे जहां अब मक्का वाक्या है। यहां ना कोई इमारत थी और ना पानी था और ना यहां कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियां थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी और बच्चे दोनों को यहां बिठा दिया, एक मशकीज पानी का और खजूरें पास रख दी और फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दूसरी बार मक्का आए तो कलाम नहीं किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तो अतात कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ एक घर बनाओ। घर की तामीर शुरू हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाते जाते थे। जब तामीर जरा बंद हो गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हजरत इब्राहिम इस पर खड़े होकर तामीर करे। यही मक्का में इब्राहिम है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते और दुआ करते जाते, ऐ परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने उस घर की तामीर ना मिट्टी से की थी और ना चूने से, बस पत्थर पर पत्थर रख कर चले गए। ना उसकी छत बनाई ना दरवाजा। बाद में अलग अलग जमानों में फिर बैतुल्ला की तामीर हुई। दोस्तों, कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई। कहते हैं उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्ला के पहलू में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बना दिया था और इस पर पहलू की छत डाल दी थी। पहले बैतुल्ला की जगह एक सुर्ख टीला था, अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हुए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। ये पत्थर हजरत जिब्राइल अब्बू की पहाड़ी से लाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे इस मुकाम पर रख दिया जहाँ वह अब कायम है। रिवायत है कि ये बहुत रोशन था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मशकमात दिखाए। और दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म मिला तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये सवाल किया कि मेरे खुदा, यहाँ पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज़ को सुनेंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ इब्राहिम, आवाज देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज को पहुंचाना मेरा काम है। दोस्तों, उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबू कुबैश पहाड़ी पर चढ़कर एक बड़े पत्थर पर खड़े हुए और लोगों में हज करने का ऐलान किया। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने एक घर बनाया है और तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की आवाज पर लब्बैक कहो। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस आवाज को इतना बुलंद कर दिया कि उस आवाज को दुनिया की हर इंसान ने सुना, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी वो आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से पहाड़
पहाड़ और पेड़ पौधों में भी एक ख्वाहिश हो गई कि वो भी अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखे। इसके मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऐलान के बाद से ही हज की शुरुआत हुई और सबसे पहला हज भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही किया। ताहिर उल कादरी, जिनकी इस किताब को अब्दुल समद सारन ने उर्दू में मुंतकील किया, लिखते हैं कि हजरत अब्बास की रिवायत के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के इस घर पर हर दिन रात में अल्लाह की 120 रहमतें नाजिल होती हैं, 60 तवाफ करने वालों के लिए, 40 नमाजियों के लिए और 20 अल्लाह के घर को देखने वालों के लिए। हजरत हसन बिन अतिया फरमाते हैं कि हमने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम की इस कॉल पर गौर किया, मालूम हुआ कि ये सब रहमतें दर हकीकत तवाफ करने वालों के लिए हैं। वह तवाफ करता है, नमाज भी पढ़ता है और काबा की तरफ देखता भी है। किसी ने क्या ही अच्छा कहा है, खाना काबा में तरह तरह की फजीलतें हैं, घर वाला ही उन्हें जानता है। जो कोई यहाँ अपनी खताओं से डर कर आया है, अल्लाह इसकी हिफाजत करता है। ताहिर उल कादरी लिखते हैं कि खाना काबा 11 बार तामील हुआ है। कुरैश की जानिब से तामीर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में हुई थी। कुरैश ने तामीर के लिए जो हलाल माल जमा किया था वो काफी नहीं था, इसीलिए हजूर की तरफ 6 हाथ 1 बालिश्त जगह कम कर दी गई। हजूर के पीछे एक छोटी सी गोल दीवार बना दी थी ताकि लोग इसके बाहर तवाफ करें। काबा के अंदर उन्होंने 2 शफों में 6 सुतून रखे थे जिस पर छत थी। इससे पहले काबा पर छत नहीं थी, दरवाजा 1 रखा था, छत की बुलंदी 18 हाथ थी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तामीर है। बहतुल्ला के बारे में ताहिर उल कादरी बताते हैं, उन्होंने 3 दिन इस्तकार करने के बाद काबा को बिल्कुल जमीन के बराबर कर दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुनियाद को भी खुदवाया तो देखा कि वह 6 हाथ और 1 बालिशात हजरे इस्माइल में दाखिल है, लिहाजा आपने उन्हीं बुनियाद के ऊपर तामीर की। ऐसा उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला के एक हदीस के बिना पर किया है। हजरत जुबैर अली रजी अल्लाह ताला ने काबा की बुलंदी 27 फीट रखी ताकि अर्श के मुनासिब हो जाए। 1 दरवाजा दाखिले के लिए और 1 बाहर जाने के लिए बनाया। दोनों दरवाजे सतह जमीन के बराबर थे। हर दरवाजे की लंबाई 11 थी और 2 पट थे। आपने काबा के 4 सतून बनाए। आपके जमाने में ये 4 सतून चूमे जाते थे। आपने रुकने शामी की जानीब एक जीना ऊपर जाने के लिए बनाया था और उसे सोने से बनाया था। छत पर परनाला रखा था जो हजर में गिरता था। जिस दिन काबा शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई वह दिन अजीब था। उस दिन बहुत से गुलाम आजाद किए गए और बहुत सी बकरियों को ज़िबह किया गया। हजरते जुबैर नंगे पांव निकले, आपके साथ बहुत से कुरैश भी नंगे पांव थे। अल्लाह ने उन्हें इब्राहिमी तामीर पर तामीर काबा की तौफीक अता की। प्यारे दोस्तों, इब्ने जुबैर की तामीर की वजह ये थी कि एक शख्स ने मुशारे के ज़माने में मस्जिद हराम की किसी खेमे में आग जलाई थी। खेमे में आग लग गई जो बढ़ती बढ़ती काबा तक पहुंच गई और उसने गिलाफे काबा रुकने यामी जला डाला। ये वाक्य 64 हिजरी का है। 10 साल बाद 74 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ ने इस बिना पर कि इब्ने जुबैर ने काबा में इजाफा किया था और 1 दरवाजा मजीद बना दिया था, उसे गिराकर कुरैश की तामीर के मुताबिक कर दिया। ताहिर उल कादरी लिखते हैं कि खाना काबा की हर एक चीज अब्दुल्ला बिन जुबैर की बनाई हुई है, सिवाय उस दीवार के जो हुजूर में है, वो हज्जाज बिन यूसुफ की बनाई हुई है। इसी तरह मशरिक के दरवाजे की चौखट और वो अंदरूनी सीढ़ी जो काबा की छत तक जाती है, उस्मान सुल्तान मुराद राबे के जमाने में 19 शाबान 1039 हिजरी को सुबह 8 बजे मक्का और इसके अतराफ में शादीद बारिश हुई। बारिश से सैलाब हरम शरीफ में दाखिल हो गया और काबा शरीफ के दरवाजे की चौखट से भी बुलंद हो गया। दूसरे दिन जुमेरात को अजर के वक्त काबा की शामी दीवार दोनों तरफ से गिर गई और उसके साथ मशरिक की दीवार का कुछ हिस्सा भी, मगर भी दीवार भी दोनों तरफ से छठे हिस्से पर गिर गई, छत का कुछ हिस्सा भी गिर गया। चुनाचे सुल्तान मुराद ने दोबारा काबा की तामीर का हुक्म दिया। 1 साल में तामीर मुकम्मल हुई और इस तरह जिस तरह हज्जाज बिन यूसुफ ने बनवाई थी, सुल्तान मुराद की तामीर हमारे इस दौर तक बाकी है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ इस वीडियो को जल्दी से जाके लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।